बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ अजमल मलिक और आप देख रहे हैं अजम प्रॉपर्टीज़ वीडियोज़। सबसे पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, जैसे कि मेरे व्यूवर्स, नाज़रीन, सब्सक्राइबर सब जानते हैं कि मैं इस्लामाबाद और उसके गिर्द नवा में अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए हर दफ़ा नई से नई प्रॉपर्टी, नई से नई जो प्रोजेक्ट है वो लाने की कोशिश करता हूँ। और इससे कबल मैं इस्लामाबाद के गिर्द नवा के अंदर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट रियल इस्टेट से प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा था, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं कुछ इस्लामाबाद, मैं कहता सेक्टर्स के अंदर या सिटी के अंदर भी कुछ काम करूँ और कोई चीज़ें लोगों को दिखाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन से कहता हूँ और तमाम जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे रियल इस्टेट बिज़नेस के साथ जो रिलेटेड हमारे दोस्त अहबाब हैं, डीलर हैं, या मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टर्स हैं या प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उन सब से गुजारिश है कि हमारा ये जो चैनल है अजम प्रॉपर्टीज़, हमेशा सबसे पहले जो हमारी इसके अंदर जो एक लोगो है हमारा, वो कि ये हमारा जो इसमें सच्चाई हमारा अंदाज़े भी है, हर बात में, हर वीडियो के अंदर, हर प्रॉपर्टी मैं कोशिश करता हूँ सच्ची और साफ़ सुथरी बात की जाए, ताकि ख़रीदने वाला भी किसी प्रॉब्लम में ना हो, उसको कोई एम्बिग्विटी ना हो और बेचने वाले को भी कोई मसला ना हो। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहली ही मीटिंग के अंदर सेलर बायर को कोशिश करके, जब वो एक नेगोशिएशन की एक ऐसी स्टेज पे पहुँचते हैं कि उनका डील बन सकती है, तो उस वक्त हम उनको डायरेक्ट करा देते हैं ताकि बीच के में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना रहे। तो मैं तमाम जो इन्वेस्टर हैं रियल इस्टेट बिज़नेस से रिलेटेड हैं, वो किसी भी शक्ल में, चाहे वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, या इन्वेस्टर हैं, किसी भी हिसाब से, तो उनसे गुजारिश करता हूँ बिला झिझक हमारे इस चैनल के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट करें, इसलिए कि हमारा ये जो एक फास्टेस्ट वे है रियल इस्टेट के बिज़नेस में, मैं कहता हूँ विद इन 3 आवर्स मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिल फॉर ये दुनिया भर के अंदर, मैं कहता हूँ मेरे इस वक्त 28,000 मतलब 28K सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं कहता हूँ कि हमारे लाखों में व्यूअर्स हैं। तो पहले 3 घंटे के अंदर आपकी प्रॉपर्टी फिल फॉर वहाँ तक पहुँच जाती है पूरी दुनिया में, और मेरे इस चैनल के ऑलमोस्ट 80% जो व्यूअर्स हैं वो ओवरसीज़ हैं, और वो मतलब एक तो ये है कि वो अपनी पावर टू परचेज़ भी उनके अंदर होती है और वो इस तरह की प्रॉपर्टी भी तलाश कर रहे होते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी ओनर से गुजारिश करूंगा कि सबसे आपने जब प्रॉपर्टी अपनी बेचनी हो और उसकी अच्छी प्राइस लेनी हो और फेयर तरीके से लेनी हो, तो वो आप हमारे इस चैनल के ज़रिए करें। और हमारी इस चैनल खासा ये है कि मैं चूँकि एक डिटेल में प्रॉपर्टी की वीडियो बना देता हूँ और उसमें एक एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो घर हो, कमर्शियल सेंटर हो, कोई चीज़ हो, तो वो जो बायर है उसके लिए ये आसानी होती है कि वो वीडियो के अंदर सारी तफसील देख लेता है, और उसके बाद फिर वो एक ऐसी स्टेज रह जाती है जिसमें मैं कहता हूँ कि एक नेगोशिएशन की स्टेज जिसमें प्राइस डिसाइड होती है और टर्म्स डिसाइड होती है, तो उसके बाद फिर ये मैं कहता हूँ डील बनना बड़ी करना बड़ा आसान हो जाता है। बार बार विजिट से आप बच जाते हैं, हैसल होती है कि एक सपोज घर है तो अगर सपोज उसको कोई प्रॉपर्टी एजेंट हमारा या कोई उसको मार्केट कर रहा है तो वो दिन में 10-10 दफ़ा आके डोर नॉक करेगा या बेल दबाएगा, तो उसमें ये होगा डिस्टर्बेंस होती है। मैं एक दफ़ा वीडियो बना लेता हूँ, उसको अपलोड कर देता हूँ, तो वीडियो के अंदर सारी तफसील चूँकि मौजूद होती है, तो वो फिर ये होता है कि जो बायर है, इंटरेस्टेड पार्टी है, उसको अच्छे तरीके से देख लेती है, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा हैसल नहीं होती बार बार विज़िट करने की। तो नाज़रीन, ये तो था, मैं चूँकि इस्लामाबाद सेक्टर्स के अंदर अब प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह मार्केट करने लगा हूँ और इसके ऊपर काम करने लगा हूँ, तो मैं ज़रूरी समझता था कि मैं तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ ये सारी चीज़ शेयर कर दूँ। तो आज मैं आपको F6 सुपर मार्केट इस्लामाबाद की इंतहाई, मैं कहता हूँ कि पॉश एरिया है, जिसमें मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक कमर्शियल सेंटर भी है, बिज़नेस हब भी है, अपनी लोकेशन के हिसाब से भी बहुत आला है, और मैं कहता हूँ कि वर्थ के हिसाब से भी और बिज़नेस एक्टिविटी के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आपको एक कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है एक बिल्डिंग की, उसके अंदर फॉर सेल है 1,000 स्क्वायर फीट, उसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको इस वक्त सुपरमार्केट की डिटेल बता दूं कि जो लोग इस्लामाबाद से
वाकिफ़ हैं वो तो खूब जानते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि इसकी लोकेशन इंतहाई आइडियल है। एक तो व्यू के हिसाब से बिल्कुल आप जिस तरफ भी वो यहाँ पे आप, मैं कहता हूँ एक तरफ आपको मरी हिल्स का व्यू मिलता है और दूसरी तरफ आपके मार्गला हिल्स बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज़ में आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और ज़बरदस्त नज़ारा होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि यहाँ पे चूँकि पॉश एरिया है, ये बहुत बड़ा एक बिज़नेस सेंटर है, इसमें हर तरह की यहाँ पे मतलब एक्टिविटी होती है। यहाँ ग्रासरी की शॉप्स हैं, बुटीक्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे दीगर हर किस्म के बिजनेसेस हैं, गोल्ड शॉप्स हैं, ज्वेलरी वगैरह, दीगर बैंक्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं, दीगर मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ तमाम बिज़नेस और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे मतलब होती हैं। बारौनक इलाका है, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ एक प्रॉपर्टी हमारे पास है जो फॉर सेल है, और ये इस बिल्डिंग के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग है, ये आपको देख रहे हैं, इसके थर्ड फ्लोर में ये 1000 स्क्वायर फीट आपको ये प्रॉपर्टी हम फॉर सेल ऑफर कर रहे हैं। और ये 1000 स्क्वायर फीट तो ये प्रॉपर्टी एक कवर्ड एरिया है, मतलब इसके अंदर अपार्टमेंट बना हुआ है, और इसकी जो रूफ टॉप है वो भी 1000 स्क्वायर फीट है, और उसकी प्राइस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं कहता हूँ जो दोस्त मतलब मैं इन्वेस्टर हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे हो जहाँ से उनको रेगुलर जो जिसको कहते हैं कि रेंटल इनकम हो, उसके ऊपर वो डिपेंड करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट करके, और या फिर वो कंपनीज या मैं कहता हूँ जो एनजीओस दीगर कोई इदारे हों जो अपना यहाँ पे हेड ऑफिस या मेन ऑफिस रखना चाहते हों, तो उसके लिए भी ये इंतहाई ज़बरदस्त जगह है। इसकी वजह यह है कि इसकी मेन जो फीचर है वो इसकी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस यहाँ हमारी मतलब करीब ही 5 मिनट की ड्राइव पे मेन बिज़नेस का हब इस्लामाबाद का कैपिटल सिटी का ब्लू एरिया है, आप यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह हमारी ये पार्लियामेंट हाउस वगैरह हो गया या डी चौक वगैरह दीगर जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपको गवर्नमेंट इदारों के साथ डीलिंग करनी होती है, ख़ास तौर पर वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो अपना ऑफिस ऐसी जगह पर रखना चाहती हैं कि उनके हर तरफ इजी एक्सेस हो और वो बड़े पुरसकून अंदाज में यहां रहें, तो ये मैं कहता हूं उसके लिए बिल्कुल इंतहाई ज़बरदस्त जगह है। तो उसके लिए ये 1000 स्क्वायर फीट की ये जगह है, तो ये मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूं। और इसकी जो आस्किंग प्राइस है, चूँकि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रेंटल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी मतलब हर प्रॉपर्टी यहाँ पर बिकने रही, बहुत कम शाज़ो नाज़िर यहाँ प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं, तो इसकी जो कवर्ड एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है, और उसमें जो रूफ टॉप है वो भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इसका रेंट पर स्क्वायर फीट जो है वो 1,70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और इस ओवरऑल इस 1000 स्क्वायर फीट कवर्ड प्लस अनकवर्ड एरिया की जो प्राइस टोटल बन रही है वो 170 मिलियन यानी कि 17 करोड़ रुपये बन रही है, और ये नेगोशिएबल है। तो मैं कहता हूँ कि ये इंतहाई आइडियल प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, फिल फॉर बिकने वाली है। तो मैं अपने ओवरसीज़ जो हमारे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं इनको बिल्कुल रेगुलर इनकम मिले, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये दिनों में रेंट आउट हो जाती है, और इसमें आमतौर पर मल्टीनेशनल कंपनियां या एनजीओ या बड़े बड़े इदारे वो उनको साल भर का एडवांस भी मिल जाता है, और इसके अलावा सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो मैं कहता हूँ इंतहाई सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर बिज़नेस की मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ भी है, मतलब इसके ऊपर 2-4 साल रख के होल्ड करके अगर इसको कोई रीसेल करता है उसमें उसको काफ़ी सारी प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन या उसको कहते हैं कि प्रॉफिट भी मिल सकता है। और उसमें यह है कि अगर कोई रेगुलर अपनी रेंटल इनकम के ऊपर डिपेंड करना चाह रहा है तो वो मैं कहता हूँ उसके लिए इंतहाई ज़बरदस्त ये आइडियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आपके लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ, तकरीबन अपनी हर वीडियो में ये मैं बात बताता हूँ कि यहाँ पे कोशिश ये करते हैं बहुत सारे लोग कि मतलब कोई भी प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ और मेरी आदत यह है कि मैं उसकी लोकेशन पूरी तफसील बता देता हूँ और मैं साइट पे खड़े होके मैं वो उसकी वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट होके वो जो हमारा वो चार्जेस होते हैं उनको बचा लिया जाए। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये कोशिश आपकी वो काविश जो है ना नाकाम इसलिए होगी कि अब हमने भी थोड़ा सा अपना अंदाज़े बिज़नेस बदल लिया है, और सबसे पहले हम बायर के सेलर के साथ ये बात पक्की करते हैं कि हमारे अलावा इस प्रॉपर्टी को कोई मार्केट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप डायरेक्ट जो ओनर है उसके साथ डायरेक्ट होने की कोशिश बिल्कुल बेसुध होगी, नाकाम।
कम होगी, तो लिहाजा इसलिए हमारे थ्रू आप इसको डील को करें और आपको इंशाल्लाह अच्छा रेट लेके देंगे और खूब नेगोशिएट करेंगे आपके लिए, और अपने जो हम चार्जेस लेंगे वो बिल्कुल हमारे मतलब है उसको हम हलाल करेंगे। तो नाज़रीन ये एक प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त है। फिर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों से इस्लामाबाद के अंदर जो इन्वेस्टर हैं, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, दीगर अबाब हैं, तो वो अगर हमारे इस चैनल के थ्रू क्या कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट करना चाहें तो फिल फॉर हमारे से रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको अपनी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी की बहुत ज़बरदस्त अपना उस प्राइस लेके देंगे और उसमें बायर और सेलर इंशाल्लाह हमारी डील से हमेशा खुश होते हैं। तो नाज़रीन ये वीडियो लंबी होती जा रही है, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।